थोड़ा प्यार दे आप लोग मेरे चैनल को। सो कैसा फील होता है पढ़ाई लिखाई में? बहुत अच्छा। दीदी लोग ऐसे फिर से आ चुका हूँ आज एक नए दिन के शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं मैं आया हुआ हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। और आज हम लोग यहाँ करेंगे फुल मस्ती, फुल चुल करेंगे। मैं घर से अभी तक यहाँ पर पूरा चल के आया हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। खाड़ी तो है नहीं गाइस, बट ऐसे ही आ जाता हूँ, कहीं पर भी चला जाता हूँ, चल के ही जा रहा हूँ डेली ब्लॉग बनाने। कुछ भी नहीं है बिल्कुल, क्या ही बोलूँ। सो वही अभी हम लोग अंदर देखते क्या सीन है। यहाँ के सारे विनोबा भावे के स्टूडेंट्स लोग, और यहाँ पर ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग की लोकल यूनिवर्सिटी है हज़ारीबाग का, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं अंदर का क्या सीन है। सो वही मेरे दोस्तों छुट्टिया दोस्त लोग भी आए जो बाहर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। एक दोस्तों चोला को हमारा वो भी आज आया है और एक को पोलियो मार दिया था, बट कोई नहीं, हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या सीन है। गाइस अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर का क्या सीन होता है। अभी कुछ पता नहीं है कि अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग से भी पूछेंगे कि क्या सीन है, क्या पढ़ाई चल रहा है, अंदर कैसा पढ़ाई होता है। हम लोग एक एक चीज़ आदि यहाँ डिटेल से जानेंगे। बस गाइस आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने के लिए सिर्फ मैं अभी यहाँ से 5 किलोमीटर चल के आया हूँ सिर्फ एक ब्लॉग बनाने, क्योंकि गाड़ी साइकिल कुछ भी नहीं है, थोड़ा घर का कंडीशन ऐसा नहीं है। बट अभी वो सब को छोड़ते हुए आप लोग बस सपोर्ट करेगा इस कल के वीडियो के लिए। बहुत सारा थैंक यू गाइस, बहुत सारा प्यार, क्योंकि कल मुझे आप लोगों ने शॉर्ट्स पे 200 व्यूज़ दिलवाए। मैंने सिर्फ 100 व्यूज़ मांगा था, बट आप लोग को बहुत सारा थैंक यू गाइस। और अभी हम लोग एकदम मस्ती करते हुए आप लोगों को फुल चुल में दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सीन है। दोनों चूतिया पीछे से आते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं। सो वही गाइस, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद सागर के नाम पे बना है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मुझे दिखा तो मैं अंदर जा रहा हूँ, पहली बार इंटर किया हूँ। पता नहीं क्या सीन है, कहीं ऐसा नहीं मार खाना पड़ जाए इतना छोटा होकर अंदर यूनिवर्सिटी में घुस गया। इसका 31st फाउंडेशन डे सैटरडे 17 सितंबर 2022। पता नहीं जो भी है गाइस, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है, पता नहीं ख्याली का है, बट जो भी है सब सही है। अंदर तो मेरे ख्याल से मैं नहीं जा सकता, फिर भी जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक देख लूँगा। सो वही यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। तो देख सकते हैं यहाँ भैया बैठे हैं, भैया से पूछते क्या सीन है। कैसे भैया, एकदम बढ़िया है ना, कैसा लगता है यहाँ पर? दिन भर कितना रहेगा यहाँ पर टाइम देते हैं आप? 8 घंटा टाइम देते हैं। देख सकते हैं भैया क्या मेहनत करते हैं यहाँ पर, भैया को भी फुल प्यार दें। सो वही हम लोग अभी चलते हैं और आगे की तरफ और देखते क्या सीन है। कुछ स्टूडेंट से भी पूछेंगे यहाँ का पढ़ाई कैसा है। हज़ारीबाग एक लौता यूनिवर्सिटी है तो अच्छा ही होगा गाइस। अच्छा क्या, बहुत अच्छा होगा। मेरे को तो बस 10th करना है गाइस, 10th के बाद मेरा कोई वास्ता नहीं है। बट अभी हम लोग देखते हैं और आगे क्या सीन है। सो वही भैया से मिलने के बाद फुल आगे एकदम फुल पावर में एकदम आगे जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स का लगता है। अभी छुट्टी हो चुका है बट हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। सब अभी सबका छुट्टी हो चुका है, एकदम फुल पावर में हम लोग एकदम आज व्लॉग बनाएंगे, फुल ग्रैंड मस्ती करते हुए, फुल कुलेली करते हुए, 2-4 डंडा खाते हुए आज हम व्लॉग बनाएंगे। बस आप लोग एकदम सपोर्ट करें गाइस, इसमें भी कम से कम 100 व्यूज़ चाहिए। 100 व्यूज़ मांगता हूँ, ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, बट अभी आप लोग का फुल प्यार चाहिए। सो गाइज यहाँ पर एक रिवर दिख रहा है मुझे, रिवर नहीं यार सॉरी गाइज, रिवर नहीं, एक छोटा सा तालाब टाइप का दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा इन्वायरमेंट में यहाँ का अंदर ग्रीन बनाया गया यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा सीन हो रहा है। देख सकते हैं दो भैया लोग भी आ रहे हैं। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। देख सकते हैं भैया लोग भी फुल पावर में, अब घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गया वो लोग का, फुल मस्ती करते हुए हम लोग मेरे दोनों चूतिया दोस्तों के साथ देख सकते हैं
बेचारे का मिडिल फिंगर गायब हो गया नीचे से, तो ऊपर का मिडिल फिंगर दिखा रहा है। बट कोई नहीं, हम लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं गाइस, आगे दीदी बैठी हुई है, दीदी लोग से बात करते हैं समय। तो गाइस यहाँ पर दीदी लोग बैठी हुई है, दीदी लोग से पूछते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर, कैसे वो लोग पढ़ाई करती है। सो देखते हैं मार पड़ेगा कि क्या हो। कैसे दीदी? कैसे आप लोग? आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बस चल रहा है बस। सो दीदी लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसा होता है एक बार बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, दीदी लोग से पूछ सकते हैं। तो गाइस दीदी लोग को भी बहुत प्यार, दीदी लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया, मार नहीं पड़ा हम लोग को। सो आप लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन होता है। सो भाई फुल पावर में इधर अंदर जाते हुए आती थी भवन, पता नहीं कुछ भी है जो भी है, बट बहुत सही है। लोग भैया पास चलते हैं, देखते हैं क्या सीन। पीछे जो भैया लोग बैठे हुए हैं लोग उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या सीन होता है, भैया लोग क्या बोलते हैं। तो भैया लोग अभी जा रहे हैं और देखते हैं। सो वही कैसे भैया लोग देख सकते हैं, भैया लोग फुल आराम कर रहे हैं, पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के बाद मोबाइल चला रहे हैं। कैसा फील होता है देख सकते हैं, इन लोग का एक्सपीरियंस यही है, लड़कों का एक्सपीरियंस कुल मिला के यही होता है कि बहुत ख़राब होता है पढ़ाई लिखाई, है ना भैया? तो देख सकते हैं भैया लोग का वाट लगा हुआ है, हम भी वही, मेरा भी वही हाल है। टेंथ से कोई रिश्ता नाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम लोग फुल पावर में भी और आगे चलते हैं। आप लोग एकदम सपोर्ट से है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, किसी से भी इतना बात करने का दम नहीं था गाइस, आपके कारण इतना कैपेसिटी बना कि किसी से भी बात कर लो। देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन, सब तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत अच्छा सीन है यहाँ का गाइस। यहाँ पर घूमने के लिए भी आ सकते हैं, घूमने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। मैं पहले शायद से एक बार आया हूँ यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए। तो वही हम लोग देखते हैं और कुछ कुछ लोग से बात करते हैं। गाइस हम लोग और आगे बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा धूप है, पूरा हालत ख़राब हो गया, गर्मी से पसीना से पूरा हालत ख़राब हो गया है। इधर भी दीदी लोग बैठी हुई है, दीदी से पूछते हैं कैसा फील हो रहा है यहाँ पर। तो दीदी कैसा फील हो रहा है यूनिवर्सिटी में? दीदी का कहना है कि हाँ यूनिवर्सिटी में इनको ठीक ठाक फील हो रहा है। तो देखते हैं और क्या सीन होता है। वहाँ पे गार्ड भैया बैठे हैं, गार्ड के पास हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या गार्ड भैया हमको मारेंगे। जो भी होगा आप लोग के सामने होगा, मार भी खाऊंगा तो आप लोग के साथ ही मैं खाऊंगा मार। आप लोग साथ रहेंगे गाइस तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है ब्लॉग बनाने में। तो हम लोग अभी देख फील हो रहा है भैया यहाँ पर। गर्मी कैसी है आज की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना आज। सो कितना टाइम आप यहाँ पर देते हैं अपना? आधे घंटा। अच्छा 8 घंटा आपका भी ड्यूटी है ना आगे, मतलब यहाँ सबका 8 ही घंटा ड्यूटी रहता है, मतलब लग रहा है आपके फेस से स्माइल पूरा ख़त्म हो गया गर्मी के कारण ना। तो भैया को भी बहुत प्यार, जब भी आए भैया से ज़रूर मिले यूनिवर्सिटी में। हम लोग और देखते हैं, वैसे भैया से पूछते ही जगह कौन सा है यहाँ पर, मतलब होता है क्या भैया इस जगह पर? अच्छा यहाँ पर गेस्ट हाउस है, मतलब समझिए गेस्ट, यहाँ पर जब कोई बाहर से आते हैं तो यहाँ पर गेस्ट लोग रुकते हैं। पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस है, आप लोग यहाँ पर आएँ और खूब मस्ती करें गाइस। घूमें, भैया लोग से मिले, गार्ड लोग से मिले, सबसे मिले, सबको बहुत प्यार। सो वही बहुत से लोग बैठे हैं, हम लोग उनके पास चलते हैं, देखते क्या सीन होता है। बहुत गर्दा सीन है यहाँ पर, यहाँ पर भैया और दीदी लोग बैठे हुए हैं, देखते भैया दीदी लोग का क्या सीन है यहाँ पर। सो भैया क्या बताना चाहेंगे आप? क्या तो क्या बताना चाहेंगे भैया? कैसा फील होता है यहाँ पर? पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लगता है भैया? देख सकते हैं सिर्फ भैया ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट लगता है, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई का, कुल मिला के लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई का, पढ़ाई लिखाई फालतू चीज़ है। सो हम लोग चलते हैं, लड़की लोग के लिए सिर्फ पढ़ाई बनाएगा, हम लोग के लिए नहीं बनाए। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या सीन होता है। बैठी हुई है, हम लोग दीदी लोग से पूछते हैं कि क्या सीन है, इतना गर्मी में आज कैसा फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, कुछ ज़्यादा गर्मी है। देख सकते हैं दीदी लोग का क्या कर, कैसे दीदी कुछ तो बोलिए, इतना आप लोग ऐसे डरते हैं, गल लेके थोड़ी खड़े हैं आप लोग ऐसे डरते हैं। सो देख सकते हैं दीदी लोग का भी गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है ना दीदी। तो इन लोग छाँव में भी बैठी हुई है, दोनों दोस्त लोग बैठी हुई है। तो पढ़ाई लिख रहे अच्छा लगता है, करने का मन करता है? देख सकते हैं सब सिर्फ लड़कियों को पढ़ाई करने का मन करता है, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई का। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। सो वही हम लोग वहाँ से अब निकल चुके हैं, दीदी का हालत ख़राब हो गया था देख के, बोलती है कैमरे में मत लो,
सबको अच्छा नहीं लगता ना गाइस, तो ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। जो आने का इंटरेस्ट रखता है बस उसी को हम लोग लेते हैं। और बस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा भी खाली हो चुका है, बट आगे से कुछ दीदी लोग आ रही है फुल स्माइल कर रहे हैं, फुल पावर में। हम लोग उनसे भी बात करते हैं क्या सीन होता है। देख सकते हैं दीदी लोग जा रही है। दीदी लोग कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, इतना स्पीड स्पीड में जा रहे हैं, गन थोड़ी है मेरे हाथ पे। चलिए कोई नहीं, दीदी लोग बात नहीं की, खैर छोड़िए, आगे बहुत लोग मिलेंगे, सबसे बात करेंगे हम लोग जो बात करना चाहेगा। सो वही अभी हम लोग देखते हैं, वहाँ से अभी हम लोग निकलते हुए और आगे जा रहे हैं। आगे से भी दो दीदी लोग आ रही है, उन लोग से भी बात करते हैं क्या सीन होता है। तो कैसे दीदी लोग आप लोग? अच्छे हैं, बहुत स्पीड में जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, मेरा ड्रिफ्ट व्लॉगर। अच्छा, फॉलो आप लोग, सब्सक्राइब करें, आपके लोग के शहर से थोड़ा प्यार दें आप लोग मेरे चैनल को। सो कैसा फील होता है पढ़ाई लिखाई में? अच्छा, आज फेयरवेल हो गया। अच्छा, सर को फेयरवेल दे के आए? सर के साथ बहुत अच्छा अनुभव था हम लोगों का, मतलब थोड़ा रोने वाला फील हो गया था। मन भावुक हो ही जाता है। देख सकते हैं दीदी लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गई, बट कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई में ऐसा थोड़ा सा झेलना पड़ता है, उतार चढ़ाव होते रहता है गाइस। सो देख सकते हैं, और पूछते हैं पढ़ाई कैसा चलता है? टीचर्स यहाँ सब कुछ बढ़िया है? तो अगर आप लोग यहाँ चाहें, यहाँ पर हजारीबाग यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छा पढ़ाई देगा, बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ पर सिस्टम है, अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। तो दीदी लोग हम लोग बाय बोलते हैं, बाय दीदी, फिर मिलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं दीदी लोग साथ बहुत सारा बातचीत करके हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। दो भैया लोग आ रहे हैं, दोनों भैया से भी बात करते हैं क्या सीन है। सो वही देख सकते हैं भैया लोग फुल एकदम थके हारे, एकदम पूरा गर्मी में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए आ रहे हैं। तो कैसे भैया, पढ़ाई लिखाई करने में मज़ा आता है? पता नहीं भैया मन से बोल रहे हैं या ऊपर से बोल रहे हैं, पता नहीं जो भी, बट भैया अच्छे लगे हमको मिलने में, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलने के बाद। सो भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत प्यार दें आप लोग, आप लोग के कारण मैं हूँ। सो गाइस भैया लोग को बाय करते हुए हम लोग फिर आगे चलते हैं। बाय भैया। गाइस हम लोग फुल मस्ती में फुल सपोर्ट देते हैं गाइस, सब आप लोग के सपोर्ट के कारण सब सपोर्ट है, हम लोग फुल मस्ती करते हुए फुल एकदम चुल मचाते हुए आगे जा रहे हैं। सो गर्मी में पूरा प्यास लगे हुए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। आगे से दो दीदी लोग आ रही है, एकदम थके हुए दीदी लोग आ रही है, देखते दीदी लोग का क्या सीन है। बहुत थके हैं दीदी आप लोग? बहुत ज़्यादा। सो गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना, तो देख सकते हैं दीदी लोग का, आप लोग का पढ़ाव का अनुभव कैसा है? मतलब सच में अच्छा। मतलब सच में या फिर ऊपर ऊपर से? मतलब दीदी लोग अच्छा पढ़ती है यहाँ के? नहीं दीदी नहीं बोल सकते क्या? नहीं बहन ही बोलिए, दीदी क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, नहीं दीदी बोलने में अच्छा फील होता है, उतने बड़े भी नहीं है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो दीदी लोग एकदम फुल एकदम थके हारे वो घर जा रही है, पूरा आराम करेगी। तो दीदी लोग आप लोग कुछ कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में? कुछ तो बोल दीजिए थोड़ा मोड़ा। लास्ट दिन है। अच्छा, इनका लास्ट दिन था, तो दीदी लोग को बाय करते हुए हमने फुल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। सो वही फुल भैया लोग एकदम मस्ती करते हुए आते हैं, हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं भैया लोग भी फुल मस्ती करते हुए एकदम जा रहे हैं घर। हम लोग अभी चलते हैं इधर आगे का सीन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ का अनुभव पूछते हैं कि कैसा फील होता है यहाँ पर, मतलब आज का क्या अनुभव है आप लोग का। अरे यार तुम ऐसे नहीं, गन थोड़ी दिखा रहे भैया, गुंडा नहीं है, पढ़ाई लिखाई देख सकते भैया का मन नहीं लगता, दीदी लोग का मन लगता होगा इतना बोल सकते हैं, लड़का का मन नहीं लगता। देख सकते दीदी लोग का मन लगता होगा, आप लोग को लगता ही होगा। अब पता नहीं दीदी लोग भी दिल से बोल रही है ऊपर से बोल रही है मुझे नहीं पता, पर दीदी लोग बहुत एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके यहाँ बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बैठी हुई है। सो दीदी लोग बाय एकदम। सो फुल मस्ती में लोग और आगे जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उनका अनुभव पूछते हैं आज का कैसा है। सो देख सकते हैं, तो कैसे भैया आप? बहुत सही, बहुत सही। और आप लोग कैसे दीदी? आप यही यूनिवर्सिटी से हैं? हाँ यही से। देख सकते हैं भैया यूनिवर्सिटी से, लेकिन ड्रेस खराबी पर निशान नहीं है, देख सकते हैं इन जैसे मार रहा था। देख सकते हैं गाइस फुल वॉइस को फुल प्यार गाइस।
देख सकते दीदी लोग भी फुल मस्त एकदम, मतलब सब आज फ्रस्ट्रेटेड होके बैठा हुआ है, सबका हालत खराब हो चुका है, सबका लगा पड़ा है, पढ़ाई ले लिया है सबका। तो हम लोग अभी चलते हैं आगे। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ दीदी लोग कुछ समोसा खा रही है, हम लोग वहाँ जाके पूछते हैं दीदी लोग फुल चिल में क्या कह रही है। फुल दीदी लोग आज सब आज एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके, आज का गर्मी कुछ ज़्यादा ही था यहाँ हजारीबाग के एनवायरनमेंट में। देख सकते हैं दीदी लोग एकदम फुल मस्ती में समोसा खा रही है। इतना शर्मा क्यों रहे हैं, खा ही तो रहे हैं। तो क्या फील था आज का, आज का दिन कैसा गया आप लोग का? तो दीदी का कहने का है कि आज का दिन अच्छा गया, और कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? देख सकते अब दीदी मन से बोल रही है या पता नहीं कहाँ से बोल रही है, उनको नहीं पता, बट मन नहीं लगता किसी का पढ़ाई में। पढ़ाई बहुत खराब चीज होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करे, बिल्कुल फालतू चीज है पढ़ाई लिखाई। यहाँ पे भी कुछ एक भैया खड़े हैं और उनके फ्रेंड्स लोग जो भी है, तो हम लोग भैया से अनुभव पूछते हैं कि कैसा है यहाँ का। तो भैया बताए कैसा फील कर रहे थे, और नीचे आज बहुत ज़्यादा हाइट लग चले गए, तो कैसा फील करते हैं आप यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई में अच्छा लगता है, देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई में इनको मन लगता है। अब ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से बाहर से जैसे ही बोल रहे हैं, लड़कों को मन नहीं लगता है। वैसा कुछ नहीं, पढ़ना है सबका अपना मन है, ये नहीं है जबरदस्ती कोई पढ़ा सकता है, आए हैं तो अपने मन से सब प्रेशर पे। तो देख सकते हैं भैया एकदम फूल आज लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड होकर एकदम गुस्से में बोल रहे हैं। गुस्सा में नहीं है, मतलब आपका ऐसा एक्सप्रेशन ही है कि आप गुस्सा में लगते हैं। तो देख सकते हैं भैया, मेरे गाइस को कुछ और बोलना चाहेंगे? लाइक सब्सक्राइब कुछ करने बोलेंगे? भाई हम लोग क्लास में ऐसा है नहीं कोई सारा यूट्यूब ना देखे, हम किताब से पढ़ सकते। देख सकते हैं गाइस, एक सेकंड इन लोग को टाइम नहीं, सोने का भी टाइम नहीं है। देखा जाए तो टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं है, इतना पढ़ाई का प्रेशर पड़ चुका है। इतना ज्यादा बोल दिया तू भाई, इतना ज्यादा। तो भैया को बाय बोलते हैं, बाय भैया, फिर मिलते हैं। सर लगे अभी और देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है, बोला सबका एकदम यहाँ पर लगा पड़ा है। बोल सकते हैं यहाँ पर दो भैया लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे है भैया, देख सकते हैं भैया लोग यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से ये उनके साथ यहाँ पर मस्ती करने आए हैं। मतलब देखा जाए तो लड़का लोग के लैंग्वेज में कुछ और करने आए, बस लड़का लोग का ही काम होता है और कुछ काम नहीं होता है। मेरा दोनों चूतिया दोस्त लोग देख सकते हैं, अपने साथ ये लोग को भी चलवा के लेके आया है 6 किलोमीटर से, गाड़ी तो है नहीं, उतना दूर से 6 किलोमीटर से चल के आया है, बेचारा को लकवा मार दिया है। थोड़ा सा आप लोग प्यार दें इसको, दुआ करें। फुल एकदम हम लोग का भी गर्मी में हालत ख़राब होते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक भैया और उनके फ्रेंड बैठे हुए हैं। कैसे आप लोग? बस इतना एकदम, ऐसे डरते क्यों, हम गुंडा तो नहीं है ना भैया? देख सकते हैं सब हमको पता नहीं क्रिमिनल ही सोचता है, हमको देखते ही पता नहीं कुछ बोलना ही बंद कर देता है। अभी तक कुछ देर पहले लोग बहुत बात कर रहे थे, अभी बात करना बंद कर दिए। नहीं नहीं, वो हमको वो नहीं सुनना, मतलब आप लोग यहाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है ये सब तो बता ही सकते हैं। आपको अच्छा लगता है पढ़ाई करने में? नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे? देख सकते हैं लड़का लोग को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, भैया सिर्फ ऊपर ऊपर। अरे भैया तो टॉपर निकल गए ऐसी वजह से। और दीदी लोग, आप लोगों का कैसा पढ़ाई चल रहा है? देख सकते हैं ये लोग का भी एग्जाम अभी दे के आई है, फुल एकदम यहाँ पर सब एकदम, मतलब बोल सकते हैं सब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है यहाँ पर कुल मिला के। हम लोग अभी और चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और अभी क्या। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबसे आज हम लोग पूछेंगे कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप बहुत सारे फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं, देख रहे भैया पूरा फुल गुस्से में है, भैया से बात करेंगे तो चुट में कुछ। ये भैया फुल चुल में लग रहे हैं, क्या आप कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में मज़ा आता है? देख सकते हैं भैया बोल रहे हैं कि इनको पढ़ाई करने में, यहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसा है, सब कुछ अच्छा है? सब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब जिंदगी छोड़ के सब अच्छा है? देख सकते लड़का, जितने भी अभी तक मैंने सबसे पूछा सबका जिंदगी छोड़ के सब अच्छा है। यहाँ पे भी कुछ भैया इन लोग का भी हमको लगता है वही कहना होगा, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता। नाम क्या है? ड्रिप टू लॉगर। अच्छा, देख सकते भैया लोग भी हमको लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लेकिन इन लोग को भी देख के लगता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता ना, लेकिन बस प्रेशर के कारण पढ़ना पड़ रहा है। देखिए भैया लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा बोल दिए।
देख सकते हैं दीदी लोग इधर अपना फेस छुपा रही है, बट हम लोग को दिखाएंगे। दीदी लोग ऐसे तो आप ब्लॉक करें तो आप उधर जाकर कीजिए, यहाँ पे आके मत कीजिए। अच्छा ठीक है, आप ऐसा बोल देख सकते हैं दो दीदी लोग आ रही है पूरा थके हारे में। कैसा फील कर रहे दीदी आज? दीदी लोग भी पूरा थक चुकी है आज, देख सकते हैं गाइस आप लोग भी। बहुत ज़्यादा अभी मेरे से कुछ लोगों से बहस हो गई, क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ लोग समझते नहीं हैं हम जैसे छोटे लोग को, सब कुछ सब कोई दबाना चाहते हैं। आप लोग ही जानते हैं गाइस, आप लोग सपोर्ट करें, बहुत प्यार दे गाइस आप लोग, ताकि जो लोग आज सुनाते हैं वो लोग को बोलने का मौका ना देना पड़े गाइस। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपने घर का भी एक बार टूर कराऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अपने घर का भी एक बार ब्लॉग दिखाऊंगा गाइस, मेरा अपना पर्सनल अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ अपना घर भी नहीं है गाइस ना, मेरे पास मैं रेंट के घर पे रहता हूँ। मम्मी कुछ जॉब करती है, बस वही जो चलता है। मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, उससे थोड़ा मोड़ा चलता है। मेरे पास ना गाड़ी है, ना अपना खुद का ज़मीन है, ना खुद का घर है गाइस। पापा का भी डेथ हो चुका है, सो बहुत गंदा सीन हो चुका है गाइस। बट मैंने सोचा कि जो है मैं आज अब यूट्यूब ही बनाऊंगा, जो होगा यूट्यूब पे होगा और कहीं नहीं होगा। बस आप लोग का बहुत प्यार चाहिए गाइस, वो लोग से कुछ ज़्यादा ही मुठभेड़ हो गई, बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है आपको बोल देना। वो लोग एक बार भी तो बोल सकती थी ठीक है ना, नहीं बनाना है तो मत, इससे मत बनाओ, बहुत ख़राब मेरे साथ बेइज्जती करते हुए। बट कोई नहीं, सब चलता है गाइस, अभी चिल करते हैं फालतू माइंड हटाते हुए। हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं और मेरे कुछ पीछे चूतिया दोस्त लोग आ रहे हैं पीछे से, और हम लोग अभी चलते हैं। बहुत ये है एक भैया, अभी पढ़ाई करके निकले, बहुत ज़्यादा थके हारे हुए लग रहे हैं। कैसे भैया? बहुत ज़्यादा भैया थके हुए थे, कोई बात नहीं, भैया का इंटर नहीं किया मैंने कि भैया बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक भैया आगे से आ रहे हैं, कैसे भैया? देख सकते हैं भैया भी फुल ड्रिप पर लॉगर। अच्छा देख सकते हैं यहाँ भी एक भैया है, कैसा फील करते हैं पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने मज़ा आता है, मतलब सच में या फिर मज़ा आता है थोड़ा थोड़ा, बट ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा लेता ही होगा। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, सबका यही कहना है कि जिंदगी पूरा ले लेता है यहाँ पे भी एक भैया, पूरा पूरा ले लेता थोड़ा का। कितना मतलब बात, टॉयलेट करने का भी टाइम मिलता है कि वो भी नहीं मिलता है, देख रखना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस। देख सकते हैं भैया लोग को टॉयलेट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। वैसे यहाँ का पढ़ाई सिस्टम सब कुछ कैसा है? ठीक है, पढ़ाई अच्छा है। यहाँ पर क्या होता है, किस चीज़ का डिपार्टमेंट है? ये बीबीए और एमबीए का डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है गाइस, देख सकते हैं। सो भैया लोग को बाय बोलते हैं, बाय बाय भैया। देख सकते हैं इधर फुल एकदम आपका एमबीए डिपार्टमेंट है, मस्त प्लेस है गाइस, फुल ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट। एक भैया फुल अकेले दिख रहे हैं, कुछ दीदी लोग जा रही है, नहीं टोकना चाहिए कुछ हो जाए। देख सकते हैं भैया पूरा थके हारे में लग रहे हैं, कैसे भैया ऐसे इतना गुस्से में क्यों है? देख सकते हैं भैया एकदम पूरा फुल थके हुए, कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहाँ से देख सकते हैं पूरा फुल सीन हो चुका है। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ का एंड हो ही चुका है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। गाइस आज के इस व्लॉग में आप लोग को कुछ लोगों से मुठभेड़ी भी दिखी, कुछ लोगों से बहस हो गई, कुछ लोगों से अच्छे से बात भी हुई, बहुत लोगों ने धुतकार भी दिया, बट जो भी हुआ आज का इस व्लॉग को एकदम ख़त्म करते हुए, एकदम प्यारे से दिन को ख़त्म करते हुए, फुल गर्मी का दिन है, एकदम हालत ख़राब हो गई गर्मी से, प्यास भी लग रही बहुत ज़्यादा। तो अभी जाके कुछ बाहर पी लूँगा, पैसे तो है नहीं, अब घर ही जाके पीऊँगा, फिर 5-6 मिनट चल के अभी घर जाना है। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एकदम कीजिएगा गाइस, थोड़ा बहुत प्यार दीजिएगा इस मुझे, ताकि मैं आप लोग से और देख के, आप लोग के व्यूज़ आता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, व्यूज़ नहीं आता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वही हम लोग मिलेंगे गाइस फिर से एक नए व्लॉग के साथ।